नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र यतिरे में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको शत्रुनाश का एक बहुत ही सिंपल सरल और कारगर टोटका बताने वाला हूँ। शत्रुनाश से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि जो शत्रु शत्रुता निभा रहे हैं या जो लोग आपको खुलेआम या छुपी दृष्टि से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर गलत नजर डाल रहे हैं, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो आपको किसी भी तरह हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके ऑफिस स्टाफ में हो या आपके कार्य क्षेत्र में हो या फिर आप जहां रह रहे हैं आपके रेसिडेंस के आसपास हो, कहीं भी अगर ऐसे लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टोटका बताने वाला हूं। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर दोस्तों में अवश्य करें। किसी और का भी भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों आपको 9 लौंग ले लेनी है, फूल वाली 9 लौंग, और वो लौंग लेके आपको कब करना है ये, या तो मंगलवार की रात या फिर आप इसको शनिवार की रात कर लें या फिर आप रविवार की रात कर लें। ये 3 दिन में आप ये टोटका आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। अगर आपको कहीं कोई इमरजेंसी है तो आप किसी भी दिन इस टोटका को कर सकते हैं। फिर आपको कोई दिन या वार देखने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी दिन कर लें। फिर आपको दूसरी बार या तो मंगलवार को कर लें या शनिवार या रविवार, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आपको किसी स्वच्छ स्थान पर बैठना है, ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको शत्रु का नाम पता होना चाहिए, अगर एक से अधिक शत्रु हैं तो आप 3 शत्रुओं तक का एक बार में टोटका कर सकते हैं, 3 से ज्यादा शत्रु का नाम आप नहीं ले सकते। आपको क्या करना है, स्वच्छ स्थान पर बैठे और आप कपूर की गोटी ले लें। कपूर की गोटियों की गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जैसे आपको लौंग जलानी है कपूर में तो आप 3 या 4 गोटी रख दें किसी बर्तन में, लोहे का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऐसा कोई भी बर्तन ले लें और उसमें कपूर रख के आप उसको जला दें। और आप एक शत्रु है तो आप उसका नाम बोलते जाएं और एक लौंग कपूर में डाल दें, एक बार नाम बोले और एक कपूर डाल दें। अगर सपोज करें कि आपके 3 शत्रु हैं तो आप एक बार नाम बोले और एक लौंग डालें, इस तरह से आपको एक शत्रु का नाम 3 बार बोलना है और एक एक करके 3 लौंग आपको कपूर में डाल दें। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कपूर आपका बुझने वाला है तो आप एक्स्ट्रा कपूर की गोटी उसमें डाल दें। इसी तरह हर शत्रु का नाम
तीन बार बोलें और एक एक लौंग आप उसमें डालते, सारी लौंग आपको उसमें आहुति दे दें, बस आपको कुछ और नहीं करना है। शत्रु चाहे जितना भी पावरफुल हो, चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, शत्रु धराशाही हो जाएगा, उसको जमीन पे गिरते देर नहीं लगेगी। और वो आपको नुकसान पहुंचाने की बात तो बहुत दूर की रही दोस्तों, वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। बस आपको ये करना है, और अगर एक शत्रु है तो आप नाम लेते जाएं और सारी लौंग कपूर में डाल दें, एक या तीन, दो शत्रु का आपको नहीं करना है, या तो एक शत्रु का करें या तीन शत्रु का, तीन से ज्यादा का कर नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा है तो नेक फिर से आपको करना होगा, तो करते रहिए इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछे अवश्य। नमस्कार।